देवबंद पुलिस ने क्षेत्र के एक गांव में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से लाखों रुपए के बने अधबने पटाखे भी बरामद किए। पुलिस ने मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया जबकि चार फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम मानकी में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही है जिसमें भारी मात्रा में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने गाँव में जाकर अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां पर अवैध रूप से पटाखा निर्माण कर रहे साजिद आजम नावेद को गिरफ्तार कर लिया जबकि चार लोग पुलिस टीम को देखकर मौके से भाग निकले। फैक्ट्री में बरामद पटाखों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। सहारनपुर से पारस पवार की रिपोर्ट। क्षेत्राधिकारी देवबंद के नेतृत्व में देवबंद थाना क्षेत्र में ग्राम मानकी इसमें एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का अनावरण किया गया है पुलिस के द्वारा और यहाँ पर तीन अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और चार और नामित किए गए हैं जो फरार हो गए हैं मौके से और आयुध अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत करके इनको आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।